फिलहाल राजस्थान बीजेपी के कद्दावर नेता हैं गुलाबचंद कटारिया, जीत का दावा ठोक रहे हैं। संवाददाता अजय दुबे की ये रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं और ये देखिए किस तरीके से गुलाबचंद कटारिया जी सुबह वोट डालने जाने से पहले पूजा पाठ कर रहे हैं। बड़े नेता है वो सुबह सुबह पूजा पाठ के लिए पहुंचे हैं, जिसके बाद वो वोटिंग के लिए भी जाएंगे। हमारे संग मौजूद राजस्थान में मंत्री रहे गुलाबचंद कटारिया जी। सर बताएं, पूजा करके आप निकले, आशीर्वाद किसके हिस्से आएगा? देखो, मैं हमेशा ही जब कभी घर से निकलता हूँ तो पूजा करके निकलता हूँ। मेरा ये विश्वास है कि हमारा जीवन सही चले, कोई अदृश्य शक्ति हमको मदद करे ताकि हम अच्छे एक जनसेवक बन करके देश की, लोकतंत्र की ईमानदारी से सेवा कर सकें। और मैंने लगातार 40 वर्ष इसी प्रकार से अपने जीवन को प्रारंभ किया है ताकि कम से कम देव दर्शन के साथ ही मन में ये मजबूती आवे कि मैं एक अच्छा लोकतंत्र का प्रतिनिधि बन करके जनसेवा कर सकूं। आपके विपक्ष में जो कांग्रेस की उम्मीदवार खड़ी हैं वो कह रही हैं कि बड़ी स्थिति कमजोर है, आपकी भी और आपकी पार्टी की भी, क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा? मैं सोचता हूँ अब उनको पता लग जाए 11 तारीख को कितना उनके सामने है नहीं है। मैं तो पक्का विश्वस्त हूँ, लेकिन उनको स्वयं को अगर भ्रम है तो 11 को निकल जाएगा। तो राजस्थान की उदयपुर सीट से उम्मीदवार गुलाबचंद कटारिया सरकार में मंत्री रह चुके हैं और बड़ी चुनौती कांग्रेस की उम्मीदवार गिरजा व्यास सीट पर दे रही हैं गुलाबचंद कटारिया को। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।